हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 38वां दिन और आज के दिन मैं आपको सिखाने वाला हूं 20 कमाल के कनेक्टर्स। अरे ये कोई बिजली से रिलेटेड काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। कनेक्टर्स मतलब कंजक्शंस, मतलब वो शब्द जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। आज सारी सिखा डालूंगा, मतलब चुन चुन के लाया हूं, बीन बीन के जिसे बोलते हैं। अब ये 20 कमाल के कनेक्टर्स कंजक्शंस सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन और एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज 38वें दिन मैं आपको सिखाता हूं 20 कमाल के कनेक्टर्स। अब हमारा पहला पहला कनेक्टर है आइदर और। अब कुछ लोग इसे इधर और पढ़ते हैं, पढ़ लो मेरा क्या, मेरी कौन सी भैंस खोल के ले जा रहे हो तुम लोग। आइदर और, अब इस आइदर और की हिंदी होती है या तो या। ये वाला कनेक्टर वाक्यों को शॉर्ट करने में, छोटा करने में मदद करता है। मैं दिखाता हूं, देखो जैसे या तो तुम झूठ बोल रहे हो या रवि झूठ बोल रहा है। इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, या तो तुम झूठ बोल रहे हो या रवि झूठ बोल रहा है। इसकी ट्रांसलेशन इसके इस्तेमाल से होगी Either you or Ravi is telling a lie. Either you or Ravi is telling a lie. अभी सेंटेंस में देखो, हिंदी में आ रहा है या तो तुम झूठ बोल रहे हो या रवि झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोलना दो दो बार लिखा है, लेकिन इंग्लिश में एक ही बार लिखना, ये तो कनेक्टर का कमाल है, शॉर्ट में लिख देते हैं। इसी के साथ एक और चीज देखो कि भैया कितना छोटा वाक्य हो गया, अब ये ऐसे बन गया Either you, या तो तुम और रवि, या फिर रवि is telling a lie, झूठ बोल रहा है। और दूसरी चीज में ध्यान रखना कि जो क्लोजिंग सब्जेक्ट है उसके अनुसार हेल्पिंग और लगेगी, यानी यू बाद में है, बाद यू पहले है, उसके बाद रवि आ रहा है, तो रवि क्लोजिंग हो गया, पास हो गया हेल्पिंग वर्ब के, तो इसलिए इज लगा। अगर रवि पहले होता, यू पास में होता, तो यू के साथ तो आर लगता है, तो फिर आर लगता, ठीक है। तो आइदर यू और रवि इज टेलिंग अ लाई। अब नेक्स्ट वाला कनेक्टर देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है नाइदर नॉर। अब इसको भी कुछ लोग नीदर नोर पढ़ते हैं, पढ़ लो मेरी कौन सी बकरी खोल के ले जा रहे हो। अब नाइदर नॉर, इस नाइदर नॉर की हिंदी होती है ना तो ना, ना तो ना उसका था या तो या, यह है ना तो ना। आओ इसको भी बनाते हैं, जैसे ना तो रवि जाएगा ना सोनू जाएगा। ओए भैया, ना तो रवि जाएगा ना सोनू जाएगा, ऐसे कोई हिलेगा नहीं, ना तो रवि जाएगा ना सोनू जाएगा। अब इंग्लिश देखो इसकी कैसे बनेगी आइदर नाइदर फाइदर के इस्तेमाल से। नाइदर रवि नॉर सोनू विल गो, नाइदर रवि नॉर सोनू विल गो, शॉर्ट हो गया, जाएगा जाएगा हिंदी में दो बार आ रहा था, लेकिन इंग्लिश में एक ही बार लिखना है वरना गलत हो जाएगा। और दूसरी चीज एक और कमाल की देखो कि नॉट नहीं लगा, जबकि नेगेटिव है सेंटेंस एक तरीके से, ना तो रवि जाएगा ना सोनू जाएगा, ऐसा लग रहा है नेगेटिव, लेकिन वो जो नाइदर है वो अपने आप में ही नेगेटिव है, वो उसका मतलब उसमें जुड़ा हुआ ही ऑलरेडी है ना तो, इसलिए नॉट लगाने की अलग से जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना भैया, ये होता है नाइदर नॉर कनेक्टर, बहुत भयंकर सा। अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब ये जो नॉट ओनली बट ऑल्सो है, इसकी हिंदी होती है ना सिर्फ बल्कि, ना सिर्फ बल्कि। अब कोई भी ऐसा वाक्य है जिसमें ना सिर्फ बल्कि आई, यही लगाना, जैसे भैया जैसे हमारा एक सेंटेंस है, वह ना सिर्फ अमीर है बल्कि कंजूस भी है। अरे भैया ना सिर्फ अमीर है, वो तो कंजूस भी है, बहुत तगड़ा कंजूस है, मैच नहीं हुआ। चलो हम कौन सा यहां पर मैचिंग खेल ले, वह ना सिर्फ अमीर है बल्कि कंजूस भी है। तो देखो कैसे बनाएंगे, नॉट ओनली ही इज रिच, ना सिर्फ वह अमीर है बट ऑल्सो माइजर, बल्कि कंजूस भी है, ऐसे बनेगा। Not only he is rich, but also miser. Miser माने था कंजूस, मक्खी चूस। तो इसी तरीके से आप बनाओ, वह ना सिर्फ अच्छा क्रिकेट खेलता है बल्कि फुटबॉल भी अच्छी खेलता है। मैं ना सिर्फ वीडियो को लाइक करूंगा बल्कि शेयर भी करूंगा, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, याद रखना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला कनेक्टर है मीनवाइल। अब इस मीनवाइल का हिंदी में मतलब होता है इसी बीच, यानी कोई काम कर रहे थे उसी बीच कोई काम हो जाए तो लगा देते हैं मीनवाइल। जैसे हमारा सेंटेंस है, मैं सो रहा था इसी बीच पापा आ गए, और फिर जो जूती मारी उन्होंने गोबर में भिगो भिगो के, मैं सो रहा था इसी बीच पापा आ गए, पिताजी आ गए, तो इंग्लिश होगी आई वाज स्लीपिंग मीनवाइल फादर केम। आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, रहा था रही थी वाज में चला गया, इसी बीच मीनवाइल पिताजी आ गए, पास्ट इंडेफिनिट आ गए, पास्ट सेकंड फॉर्म वाला फादर केम। तो आप अब ऐसे बनाओ, मैं कार चला रहा था, इसी बीच सामने कोई जो है ट्रक आ गया, मैं वहां जा रहा था, इसी बीच उसने मुझे फोन
कर दिया। तो याद रखना मीनवाइल यानी इसी बीच। अब नेक्स्ट वाला देखो, और भैया नेक्स्ट वाला है 2-2। अब ये एक TOO वाला है, एक TO2 वाला है, 2-2 इसे बोलते हैं। इसकी हिंदी होती है इतना कि, ये इसकी हिंदी है भैया, ये कनेक्टर कमाल का है और ये तो पूरी शक्ल ही बदल के रख देगा सेंटेंस की। इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाता हूं, देखो जैसे, वह इतना मोटा है कि दिल्ली पुलिस ज्वाइन नहीं कर सकता है। अरे वो तो इतना मोटा भैया कहां, पतले पतले आदमी और जो है अच्छे स्वस्थ आदमी लेते हैं पुलिस में, तो वो तो इतना मोटा है कि दिल्ली पुलिस ज्वाइन नहीं कर सकता है। तो इस इंग्लिश में कहेंगे ही इज टू फैट, इसका मतलब हो गया वह इतना मोटा है अब कि दिल्ली पुलिस ज्वाइन नहीं कर सकता है। इतना लंबा चौड़ा नहीं बनेगा, बस इतना सा लिख दो टू ज्वाइन दिल्ली पुलिस, खत्म हो गया। आधे का कमाल है ना, ही इज टू फैट टू ज्वाइन दिल्ली पुलिस, ऐसे कर देंगे। तुम इतने लंबे हो कि घर में नहीं आ सकते हो, यू आर टू लंबे कहते हैं टॉल, यू आर टू टॉल टू एंटर इन द हाउस। और वह इतना जो है भुक्कड़ है कि उसके सामने कोई खाना पेश नहीं करता है। तो इस तरीके से टू और टू का यूज होगा भैया, याद रखना। आओ अब नेक्स्ट वाला कनेक्टर देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है बिकॉज स्टाइल में बोलेंगे, वैसे ही ऐसे बोलते हैं बिकॉज अंग्रेज लोग, बिकॉज। अब ये जो बिकॉज है इसका मतलब होता है क्योंकि, सलमान खान की एक फिल्म का नाम भी है, लेकिन भैया सीख लो ये भी कनेक्टर कहलाता है। जैसे जब भी किसी वाक्य में आए क्योंकि, जैसे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे बुखार है, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा एक क्योंकि, बीच में चिपक गया एल्फी चिपक के, क्योंकि मुझे बुखार है दूसरा। अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई हैव फीवर। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल क्योंकि, बिकॉज मुझे बुखार है, आई हैव फीवर। तो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने में इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। इससे भी याद रखना बिकॉज फिकॉज ये भी है कनेक्टर, कंजक्शन फंक्शन। तुम नेक्स्ट वाला इंजेक्शन आई मीन कंजक्शन देखो, और भैया नेक्स्ट वाला है बट। अब ये जो बट है इसके बहुत सारी हिंदी होती है, लेकिन, किंतु, परंतु, चिंतु, पिंतु, लेकिन इसकी मुख्य वाली मेन वाली है ये लेकिन। हिंदी में हम यही सबसे ज्यादा बोलते हैं। अब जहां पर भी आए लेकिन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए चिपका देना ये, जैसे मैं पढ़ रहा हूं लेकिन वह खेल रहा है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम स्टडिंग, रीडिंग भी कर सकते हैं ज्यादा खुजली हो रही है तो, बट ही इज प्लेइंग, आई एम रीडिंग बट आई एम स्टडिंग बट ही इज प्लेइंग। तो यहां पे आपने देखा बट ने दो वाक्यों को आपस में जोड़ दिया। अब आप भी बना सकते हो, मैं नहीं जाऊंगा लेकिन मेरे पापा जाएंगे, वह कार चला रहा था लेकिन मैं तो सो रहा था, उसने पैसे नहीं दिया लेकिन मैंने पैसे मांग लिए, लेकिन लेकिन लेकिन, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है इवन देन। अब ये जो इवन देन है इसकी हिंदी होती है फिर भी, और ये भी वाक्यों को आपस में जोड़ने काम आता है। चलो इस पर एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे वह बीमार है फिर भी वह स्कूल जाएगा। अरे भैया इतना पढ़ाकू हो रहा, वो तो संडे को भी स्कूल जाता है। वह बीमार है फिर भी वह स्कूल जाएगा। सो पहला सेंटेंस, वह बीमार है, ही इज सिक, फिर भी, इवन देन वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल, ही इज सिक इवन देन ही विल गो टू स्कूल। तो जहां पर भी आए फिर भी, मैं कार चला रहा था फिर भी मैं सोया नहीं, कल बारिश हो रही थी फिर भी मैंने छत पे कपड़े धोए, और मैं ये कर रहा था फिर भी ऐसा हो गया, लगाना इवन देन। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला कंजक्शन है एंड। ये तो सबको पता है, ये जल्दी से बना देता हूं। एंड का मतलब होता है और, जहां पर भी आए और तो वहां पर लगा देना एंड। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं और तुम बात कर रहे हो, गलत बात है भाई तुम्हारी, हम पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग, स्टडिंग भी कर सकते हैं, वी आर रीडिंग और तुम बात कर रहे हो, एंड यू आर टॉकिंग, वी आर रीडिंग एंड यू आर टॉकिंग, दिस इज नॉनसेंस फॉनसेंस फॉनसेंस, समझ में आ गया ना, ये तो आ गया होगा, टाइम वेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट वाला देखो, और भैया नेक्स्ट वाला है सो। ये तो रुपए से याद हो जाएगा, 100 रुपए का नोट जैसे हो। अब ये एसओ सो जो है इसका मतलब होता है इसलिए। अब यहां पे इसका इस्तेमाल आप दो वाक्यों को जोड़ने में कर सकते हैं, जैसे सचिन खेल रहा है इसलिए धोनी आराम कर रहा है। अरे भाई साहब सचिन खेल रहा है इसलिए धोनी आराम कर रहा है, वरना धोनी भी खेलता, उसे अब टेंशन नहीं है कि हार जाऊंगा मैं। तो यहां पे इसलिए ने दो वाक्यों को जोड़ दिया, सचिन खेल रहा है, सचिन इज प्लेइंग, सो यानी इसलिए, अब धोनी आराम कर रहा है, धोनी इज टेकिंग रेस्ट, सचिन इज प्लेइंग, सो धोनी इज टेकिंग रेस्ट। ओ ऐसा लग रहा है जैसे मैं कमेंट्री से कर रहा हूं, बन जाऊं कमेंटेटर, ठीक है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखो, और भैया नेक्स्ट वाला है सो दैट। सो पहले अभी सो पड़ा था, अब ये दैट भी चिपक गया इसमें, सो दैट। और जब ये दोनों एक साथ चिपक जाते हैं तो कमाल का कंजक्शन तैयार हो जाता है। और सो दैट की हिंदी होती है ताकि, और जितेंद्र का गाना ताकि ताकि मेरा फेवरेट कसम से, बाद
बाद में अभी डांस करूंगा इस वीडियो के बाद, सो दैट यानी ताकि, जैसे दरवाजा खोलो ताकि मैं अंदर आ सकूं, ओ चाचा दरवाजा खोलो ताकि मैं अंदर आ सकूं। अब यहां पे दो वाक्य जुड़ रहे हैं, दरवाजा खोलो मैं अंदर आ सकूं, ताकि जुड़ गया। अब दरवाजा खोलो, ओपन द डोर सो दैट आई कुड कम इन, ओपन द डोर सो दैट आई कुड कम इन, दरवाजा खोलो सो दैट ताकि आई कुड कम इन, मैं अंदर आ सकूं। समझ में आ गया ना? अब तुम भी ऐसे बोलो, पढ़ ले ताकि तू अमीर आदमी बन सके, लाइक कर दो ताकि मैं भी खुश हो जाऊं। आओ आप ताकि करते हुए नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है और, ये हिंदी वाला और नहीं है, ये इंग्लिश वाला और है, कंफ्यूज करता है। ये जो ओ आर और है, ये भी एक कंजक्शन है, इसकी हिंदी होती है या, ओ ये इंग्लिश वाला नहीं है, या मतलब कोई काम, जैसे हम कहें मैं ये करूंगा या वो करूंगा, वो या वो वाला। जैसे वह रो रहा है या पढ़ रहा है, अबे शकल कैसी बना रहा है, वह रो रहा है या पढ़ रहा है, तो इंग्लिश होगी ही इज नहीं, सवाल वाला, ये इंटरोगेटिव है। इज ही रीडिंग और वीपिंग, इज ही रीडिंग और वीपिंग, आगे पीछे कर सकते हो, इजी वीपिंग और रीडिंग ऐसे भी कर सकते हो, क्राइंग फ्रैंग भी यूज कर सकते हो। तो यहां पे और किस क्यों लगा, क्योंकि आ रहा था या, तो जहां पर भी आई या, तुम घर जाओगे या मैं अकेला चला जाऊं, तुम खाना खिलाओगी या फिर मैं तुम्हारा सर फोड़ दूं, तो इस तरीके से हो जाएंगे, या वैसे बाद में उसी वही फोड़ देगी बेचारी, तो ठीक है। और नेक्स्ट वाला देखो, और भैया नेक्स्ट वाला है लेस्ट। अब ये जो लेस्ट है, ये कमाल का कंजक्शन है, कमाल का इसलिए क्योंकि इसके बाद वाले बनने वाले सारे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट डेफिनेटिव बनते हैं। आओ इस पर एक वाक्य लेते, पहले इसकी हिंदी तो बता दूं, मैं भी तेज चल रहा हूं ज्यादा ही। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, ओ भाई साहब शब्द इतना सा, इतनी बड़ी मीनिंग बन रही है इसकी। लीस्ट भी होता है, एक लेस्ट भी होता है, ये लेस्ट मीनिंग एक ही होती है दोनों की। लेस्ट, आओ चलो इस पे बनाते हैं। तुम्हें पढ़ना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, फिर तुम्हें जूते जो पड़ेंगे तुम्हें पता है। तुम्हें पढ़ना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, तो तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, रीड भी कर सकते हैं, यू शुड स्टडी। लेस्ट, अब तुम फेल हो जाओ को प्रेजेंट डेफिनेट बनाएंगे, यू फेल, फेल हो जाने को फेल ही बोलते हैं। अगर ही शी नेम इट होता तो ऐसा लग जाता है, ही फेल्स, शी फेल्स, सरताज फेल्स, रियलिटी आ गई, तो ठीक है। यू फेल, यू गेट फेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यू शुड स्टडी लेस्ट यू फेल, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि तुम बर्बाद हो जाओ, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि वो शिकायत कर दे, तो लगाएंगे लेस्ट। तो ध्यान रखना, ये वर्ड छोटा सा काम का है। आओ अब नेक्स्ट वाला कंजक्शन देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है दैट। अब ये जो दैट है, इसका मतलब होता है कि, आप जेब में फंस गई उंगली, कि आप जहां पर भी आई की, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मैं जानता हूं कि वह नहीं आएगी, देखा ऐसे बोलने में भी मजा आ रहा है कि, ओहो सही है, मैं जानता हूं कि वह नहीं आएगी, तो दो वाक्यों को इस की ने जोड़ दिया। आओ बनाते हैं, मैं जानता हूं, आई नो दैट शी विल नॉट कम, आई नो दैट शी विल नॉट कम, आई नो, पहला सेंटेंस दैट कंजक्शन, शी विल नॉट कम, दूसरा दोनों को जोड़ दिया, और एक सांस से बोलेंगे तो ऐसा लगेगा धमाकेदार इंग्लिश बोल रहे हैं, आई नो दैट शी विल नॉट कम। तो इस तरीके से भैया ध्यान रखना। अब चलो दैट भी हो गया, आओ अब जल्दी जल्दी नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट है देन। अब ये जो देन है, ये भी काम का है, और इस कंजक्शन की हिंदी होती है फिर। आप देखो ये बहुत भैया जब डेली शेड्यूल बताते हैं ना, अपना जो है, मैं ये करा, फिर मैंने ये करा, फिर मैंने ये किया, तो ये बहुत काम आता है, देन 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 दे देना देन। आओ इस पर एक वाक्य बनाते हैं, मैं उठा फिर मैंने नाश्ता किया। अब ये देखो फिर आ गया बीच में, ये दो वाक्यों को जोड़ने के लिए आया है। मैं उठा, आई वॉक अप, वेक की सेकेंड फॉर्म उठा, पास्ट इंडेफिनेट, आई वॉक अप, फिर देन मैंने नाश्ता किया, आई टुक ब्रेकफास्ट। अब टेक माने लेना या करना होता है, नाश्ता किया, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक ब्रेकफास्ट, I woke up, then I took breakfast, then I took bath, then I took toilet, then I took ye, took wo, took 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 took. आओ अब next वाला देखो। और भैया next वाला है while। अब ये जो while है, ये भी कमाल का conjunction है। इस while की हिंदी होती है जबकि, और ये भी दो वाक्यों को आपस में फेविकोल की तरह जोड़ने काम आता है। आओ इस पर एक example लेते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है जबकि उसका भाई शोर मचा रहा है। भाई ये बहुत गंदी बात है, उसके भाई से भी कहो बैठ जाओ और पढ़े। वह पढ़ रहा है जबकि उसका भाई शोर मचा रहा है। आओ बनाते हैं, वह पढ़ रहा है, he is studying, reading भी कर सकते हैं, he is studying, जबकि while उसका भाई शोर मचा रहा है, his brother is making noise, so एक सांस से बोलेंगे, he is reading while his brother is making noise, this is not nonsense, समझ गए ना? देखा कितना एक सांस में बोलते हैं तो कितना अच्छा लगता है, इसलिए कंजक्शन काम आती है, ताकि लगातार बड़े बड़े सेंटेंसेस बना के बोले जा सके। तो आप जब भी लाना, जबकि मैं जा रहा था, जबकि भैया वो तो जा ही नहीं रहा था, वो तो वहीं बैठा था, मैं कार चला रहा था, जबकि वो पीछा राम
भर मारा था, हम तो पैदल चल रहे थे जबकि भैया वो तो घोड़े पे सवार आ रहा था, तो जबकि जबकि ठीक है आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है प्रोवाइडेड दैट। अब ये जो प्रोवाइडेड दैट है इसकी हिंदी होती है बशर्ते कि, इसको समझने में मुझे भी टाइम लग गया। बशर्ते कि मतलब शर्त ये है कि, इसका मतलब ये होता है पूरे का। आओ बनाते हैं, जैसे मैं नहीं जाऊंगा बशर्ते कि वह बुलाए, मैं नहीं जाऊंगा बशर्ते कि वह बुलाए, मतलब ये कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, शर्त ये है कि वो बुलाए, तब तो चला जाऊंगा बशर्ते कि वह बुलाए। ये हो गया, ये ज्यादा ही मतलब कैसा हो गया, चलो ठीक है। आई विल नॉट गो प्रोवाइडेड दैट ही कॉल्स या इनवाइट्स। अब इसमें एक चीज समझ लो भैया, ये जो प्रोवाइडेड दैट है इसके बाद वाला सिंपल प्रेजेंट में बनता है हमेशा। सो मैं नहीं जाऊंगा, ये तो गागी की वजह से विल में चला गया, लेकिन वह बुलाए ये प्रेजेंट डेफिनेट बनेगा। ही कॉल्स, शी कॉल्स, और यू भी दे के साथ ऐसा लगता नहीं है, यू कॉल, दे कॉल, वी कॉल, सही है। अच्छा हम क्रिकेट खेलेंगे बशर्ते कि वो चीटिंग ना करे, हम सचिन को घर पे बुलाएंगे बशर्ते कि वो दावत पे आ जाए, तो बशर्ते कि कंजक्शन की लिस्ट में था इसलिए बता दिया, वरना तो कसम से मैं नहीं बताता। आओ अब नेक्स्ट वाला देखो। और भैया नेक्स्ट वाला कंजक्शन है ऑल्दो। अब ये जो ऑल्दो, पहले इसकी स्पेलिंग देख ले, इसे ऑल्थुआ मत पढ़ देना, ये अजीब सा लग रहा, ऑल्थुआ, ऑल्दो पढ़ते हैं इसे। अब ये जो ऑल्दो है इसका मतलब होता है, हिंदी होती है हालांकि। आप देखो हालांकि एक नेगेटिव और पॉजिटिव चीज बताते समय इसका इस्तेमाल करते हैं। आओ इस पर एक वाक्य लेते हैं, जैसे हालांकि वह गरीब है पर वो दान देता है। भैया हालांकि वो गरीब है पर वो दान देता है। अब यहां पर देखो इसका इस्तेमाल कैसे होगा, ये शुरू में ही हिंदी में आ रहा है तो हिंदी इंग्लिश में भी शुरू में लगा देंगे। हालांकि वह गरीब है, although he is poor, अब पर या पर वह दान देता, तो ये पर वही है, कंजक्शन आ गई, लेकिन पर किंतु परंतु बट आता है, मैंने आपको बताया था पहले ही, बट ही डोनेट्स, ही डोनेटता है ती वाला है ना, तो ऐसा लग गया। although he is poor but he donates, हालांकि वह गरीब है लेकिन वह दान देता है। हालांकि सरताज सर हैंडसम है लेकिन वो मोटे होते जा रहे हैं। हालांकि तुम इतने अच्छे बच्चे हो लेकिन तुम लाइक अभी तक नहीं कर रहे हो, प्लीज कर दो, अब लगा देना although, I mean although। अब नेक्स्ट वाला देखो। और भैया नेक्स्ट वाला है therefore। अब ये जो therefore है इसका मतलब होता है हिंदी में इसी वजह से, इसी वजह से, ये भी कमाल का कंजक्शन है। आओ अब इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाते हैं, बारिश हो रही है इसी वजह से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। अच्छा है, ऐसी बात है, चलो ठीक है, बारिश हो रही है इसी वजह से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, यानी इट इज रेनिंग, इसी वजह से देयरफॉर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, आई नॉट गो टू ऑफिस, इट्स रेनिंग देयरफॉर आई नॉट गो टू ऑफिस। ओ भाई एक सांस में बोल के देखो कितना मजा आता है। अब आप इसे बनाओ, इसी वजह से मैं, अब कार खराब हो गई है इसी वजह से मैं यहीं पर सो जाऊंगा, मम्मी ने मारा इसी वजह से आज मैं झंडू बाम लगाऊंगा, ठीक है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखो। और भैया नेक्स्ट वाला है सिंस। अब इसे साइंस मत पढ़ देना, और इसके बारे में एक और कमाल की बात बता दूं, ये कंजक्शन है, और एक जो सिंस आता है वो टाइम के साथ आता है, सिंस या फोर वाला, ये वो वाला नहीं है उसका भैया, ये जुड़वा एक साथ हुए थे अस्पताल में, गुरु तेग बहादुर दिल्ली में अस्पताल है वहीं हुए थे। अब ये जो सिंस है इसका मतलब होता है हिंदी में जब से कोई टाइम पीरियड बता रहे, कोई किसी चीज का मतलब जो है वो बता रहे, तो वहां पर लगाते हैं सिंस। लेकिन इसकी एक खासियत है, यह ससुरा शुरू में टिकाया जाता है, स्टार्टिंग में लगता है। आओ देखो, मैं बताता हूं, जब से मैं यहां आया हूं मैं परेशान हूं। अरे जब से हमने ये, मैं यहां आया हूं ना भाई साहब, बड़ा परेशान हूं मैं, जब से मैं यहां आया हूं मैं परेशान हूं। इसे देखो कैसे बनाएंगे, सिंस आई केम हियर, आया हूं, अगर लग रहा है प्रेजेंट परफेक्ट है, आई हैव कम हियर भी कर सकते हो, मुझे पता तुम ज्यादा एडवांस चल रहे हो, मैं पास्ट इंडेफिनिट बना रहा हूं। सिंस आई केम हियर, जब से मैं यहां आया हूं या आया, मैं परेशान हूं, आई एम ट्रबल्ड, सिंस आई केम हियर आई एम ट्रबल्ड। तो याद रखना, जब से मैंने पैसे दिए उसने पैसे ही नहीं लौटाए, since I gave him money he did not return, जब से मैंने तुम्हें दे, ओ ये अच्छा लग रहा है, जब से मैंने तुझे देखा है मुझे कुछ और नजर ही नहीं आता है, भाई साहब वही चप्पलें पड़ेंगी और मी टू का शिकार हो जाएगा, सही है। अब ये कंजक्शन अपने दिमाग में भेजो, घुसाड़ लो, भूलना मत। तो भाई साहब ये थे कमाल कमाल के 20 कंजक्शन, अब इन इंजेक्शन कंजक्शन जो भी सिखाए मैंने तुम्हें, इन्हें भेजो, अच्छे से सेट कर लो, आई एम श्योर सेट तो कर ही लिए होंगे। आओ अब बारी है चेक करने की कि तुम्हें कितना आया। तो भाई साहब ये रहा आपका होमवर्क, या होमवर्क चेक कर लियो, और या मतलब इस होमवर्क को देख लेना, आप पहले इसे अपनी नोटबुक में चेप देना, मतलब इंग्लिश बना लेना, जब लगे सही है तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके उसे टाइप कर देना, मैं आपके होमवर्क को लाइक कर चेक कर दूंगा, कोई गलती करोगे तो कमेंट में ही आपको बड़े प्यार से इज्जत से समझाऊंगा, कान में किसी को पता ना चले। और फिर इसका आंसर मैच करना है तो वो कल वाली वीडियो में आप मैच कर सकते हैं, लेकिन कभी भी इस वीडियो को देखिए मैं सुना, अरे कल वाली तो आई गई होगी, फिर भी आप चेप देना, मैं फिर भी हर्ट लाइक फाइट देकर जाया करूंगा आपको, चाहे आप 2000 साल बाद इस वीडियो
वीडियो को देखे, डायनासोर काल तो चला गया महाडायनासोर का काल में। अब बारी है कल की वीडियो के वर्क को चेक करने की। मैडम आंसर लगाओ, ये रही कल वाली आंसर शीट और इसे भी मैच कर लेना। ये भी आपने बड़े बढ़िया तरीके से वीडियो कमेंट बॉक्स में चेप दिए थे, मैंने उन्हें भी लाइक कर दिया था। तो भाई सब सिखा दिया आपको कंजक्शन, अब मेरी इतनी मेहनत का थोड़ा सा फल दे दो कि फलों का टोकरा नहीं मांग रहा हूं, बस इस वीडियो के लिए एक प्यारा सा टुच्चा सा लाइक मांग रहा हूं।